शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। करना ही मेरा पेशा है। वैसे जो रास्ते कानून बंद करता है उसे खोलने की आदत पड़ गई है। वकील बहस नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ऐसा मजाक दो ही तरह के इंसान कर सकते हैं, एक तो वो जिनके मन में पाप हो और दूसरे वो जिनका मन बिल्कुल निष्पाप हो। ना अब तुम्हें मतलब पूछने का अधिकार है और ना मतलब जानने का। लड़की के जिक्र से उंगली पर छुरी चल गई, अब तू ही सोच ले जिनके जिक्र से छुरियां चल जाती हैं उनसे उलझने का क्या अंजाम होगा। जख्मी की हालत बहुत क्रिटिकल थी और एक डॉक्टर के नाते मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैं जख्मी को उस हालत में वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। बखत बखत की बात है विक्रम बाबू, कौनों बखत आप ही कहे रहे। का पिद्दी और का पिद्दी का सोरबा, अरे माली का छोकरा का क्रिकेट खेलेगा। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। जिसके लिए सबको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा, वो बेवफा, किसी और के साजन की सहेली हो गई। बॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन पर अपनी चमक बिखेरने वाले स्टार्स की लिस्ट में कई ऐसे नाम जुड़े हैं जिन्हें उनके चाहने वालों ने प्यार से चॉकलेटी हीरो कहकर पुकारा। 70s और 80s के दौर के ऐसे ही एक अभिनेता विनोद मेहरा का नाम शामिल किए बिना ये लिस्ट अधूरी ही मानी जाएगी। लंबा कद, गोल चेहरा, गहरी काली आंखें, सॉफ्ट वॉइस, कभी कभी ऐसी खूबसूरत गलतियाँ हो जाती है जिससे गलियों के तो क्या जिंदगी के रास्ते बदल जाते हैं। मधुर मुस्कान, ये कुछ ऐसी खासियत हुआ करती थी विनोद मेहरा की पर्सनालिटी में जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेने के लिए काफी थी। और उनके इस अट्रैक्शन से प्रोड्यूसर डायरेक्टर रूप के शोरे भी नहीं बच सके थे, जिन्होंने विनोद मेहरा को बॉम्बे के फेमस रेस्टोरेंट गे लॉर्ड में देखा और अपनी फिल्म एक थी रीटा में तनुजा के ऑपोजिट कास्ट कर लिया। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में पैदा हुए विनोद मेहरा 1955 से लेकर 1960 तक शारदा, रागिनी और बेवकूफ जैसी करीब 8-10 फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कैमरा फेस कर चुके थे। किस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मतवाला हूँ। किस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मतवाला हूँ। प्लांट स्कूल का सबसे बड़ा बॉक्सर नहीं है, मैं इसे चैलेंज करता हूँ। मुझे प्लांट से लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। तुम्हें बॉक्सिंग करने का मौका इसलिए नहीं दिया गया कि तुम्हें बॉक्सिंग करना आता ही नहीं। इससे आपको क्या मतलब? मैं प्लांट से लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें लड़ने से मना करता हूँ तो लोग समझेंगे बेटे का लिहाज किया। आओ। अरे ये बॉक्सिंग ग्लव्स तो पहन कर आओ। मैं तुमसे नंगे हाथों ही लड़ूंगा। क्या बात है, लो। क्या बात? अबे मर जाएगा। इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हाँ?
आगे चलकर सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे से बैचलर की डिग्री लेकर एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक कंपनी ज्वाइन कर ली। ये विनोद मेहरा की चार्मिंग पर्सनालिटी का ही कमाल था कि कंपनी से जुड़े हुए उनके फ्रेंड्स अक्सर उन्हें एक्टिंग के लिए उकसाते रहे। इसीलिए जब 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर फिल्म फेयर ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, तो विनोद मेहरा भी किस्मत आजमाने उतर पड़े, जिसमें राजेश खन्ना के साथ साथ 10,000 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनली राजेश खन्ना बाजी मार ले गए और विनोद मेहरा को रनर्स अप से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन इस कॉन्टेस्ट से उनका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था और वो फिल्मों में लीड रोल्स के लिए ट्राई करने लगे, जिसकी शुरुआत हुई 1971 में एक थी रीटा से। 1971 में ही उनकी तीन फिल्में और रिलीज हुई, पर्दे के पीछे, ऐलान और लाल पत्थर। वैसे तो लाल पत्थर में राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी ने जोरदार भूमिकाएं निभाई थी, फिर भी इस अनकन्वेंशनल फिल्म में नए और शांत दिखने वाले विनोद मेहरा ने अपनी अहमियत को बखूबी साबित किया था। उन पर फिल्माया गया किशोर कुमार का सोलो सॉन्ग गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं बेहद पॉपुलर हुआ था। 1972 में शक्ति सामंता की क्लासिक फिल्म अमर प्रेम में शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना के साथ सपोर्टिंग रोल में विनोद मेहरा ने एक यादगार भूमिका निभाई, जिसमें जुबान से ज्यादा उनकी आंखें बोलती नजर आती हैं। लेकिन जिस फिल्म ने विनोद मेहरा को एक एक्टर के तौर पर पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया, वो थी शक्ति सामंता की फिल्म अनुराग, जिसमें मौसमी चैटर्जी ने लीडिंग लेडी के तौर पर हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया था। मौसमी के साथ विनोद मेहरा की केमिस्ट्री आने वाले कई सालों तक रंग बिखेरती नजर आई, क्योंकि दोनों ने उम्र कैद, उस पार, रफ्तार, दो झूठ, मजाक, सबसे बड़ा रुपया और जिंदगी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। 1973 से विनोद मेहरा के सामने जैसे फिल्मों की झड़ी लग गई थी, कुछ में लीड के तौर पर तो कुछ सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर। मैंने तो ये जाना तू है तो जमाना, बिना तेरे नहीं रहना, हो के खुद को गवाया, तुझे तब पाया तो दिल कैसे माने कहना, ओ यार तेरे बिना। अगर तुम होश में हो तो एक बात कान खोल कर सुन लो, एक चीज ऐसी होती है जिसे तुम्हारी तो क्या सारी दुनिया की दौलत भी नहीं खरीद सकती, और वो है इंसान की खुददारी। कोई भी शरीफ खुददार इंसान तुम जैसी औरत की नौकरी करने के बजाय भूखों मरना पसंद करेगा। मैं कई दिनों से तुम्हें इंद्र के बारे में एक बात बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये घर इंद्र का है। लेकिन चाचा तो कह रहे थे ये घर आपके किसी दोस्त का है। तो तुमसे किसने कहा कि इंद्र मेरा दुश्मन है? इंद्र सिर्फ अपना दुश्मन है। वैसे सच पूछो तो इस किस्से में कसूर कुछ ना कुछ सभी का है, मेरा भी। आपका? हाँ लल्ला, और सभी प्रायश्चित कर रहे हैं, सर अपने हिसाब से, मैं अपने तरीके से, और इंद्र अपने अंदाज से। पहली शर्त आपको बता दे, और ये सिलसिला मिड 80s तक जारी रहा। इस दौरान उनकी 100 से भी ज्यादा फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उन्होंने लीड और सपोर्टिंग रोल्स के साथ साथ कैरेक्टर रोल्स भी प्ले किए। कुछ दिनों बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ हायर स्टडीज के लिए। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले शादी हो जाए। इस तरह अचानक ये बात छेड़ दी, शायद आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन मैं आपके मन की बात जानता हूँ। आप हाँ कर दीजिए तो आपके पिताजी से बात करूँ।
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि आप किसी नालायक के हाथ में नहीं पड़ेंगी। सुधीर जैसा पति, सुधीर जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। वो खरा सोना है कविता जी, बिल्कुल खरा सोना। आप टूरिस्ट हैं, रास्ते में बारिश आ गई, सामने हमारा बंगला नजर आ गया और आप शेल्टर लेने के लिए यहाँ आ गए। ठीक है ना, मैंने मेरा गैस कभी गलत नहीं होता। ऐसे न थे हम जैसी हमारी की रुसवाई लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने, ऐसे न थे। इसके अलावा धर्मेंद्र रेखा की फिल्म कर्तव्य में उन्होंने नेगेटिव किरदार भी बखूबी निभाया था। इसे एक तरह से विनोद मेहरा का हार्ड लक ही कहा जाएगा कि सारी खूबियों के बावजूद ए ग्रेड की फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पर उन्हें बहुत कम चांस मिले। वो एक ऐसा दौर था जिसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर और संजीव कुमार जैसे एक्टर्स का बोलबाला रहा, जिनके सामने विनोद मेहरा को वैसा चांस नहीं मिल सका जिसके वो हकदार थे। क्या मैं जानते बूझते कोई गलत, कोई बुरा काम कर सकता हूँ? नहीं प्रकाश, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो फिर बिना कोई सवाल किए मेरी दो बातें मान लीजिए सर। रमा जी को क्षमा कर दीजिए और इंद्र से उनकी शादी कर दीजिए। पिताजी ने मुझे अमेरिका किस लिए भेजा था? बड़ा डॉक्टर बनने के लिए ना। मरते वक्त मैं उन्हें देख भी नहीं पाया, लेकिन मैं उनकी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, बाय हुक और बाय क्रूक। आरोप, उमर कैद, एक ही रास्ता, अर्जुन पंडित, अनुरोध, स्वर्ग नर्क, अमरदीप, ज्योति बने ज्वाला, जुर्माना, ज्वालामुखी और बेमिसाल जैसी दो हीरो वाली फिल्मों में वो लगातार नजर आते रहे। तेरे मानने या न मानने से होता ही क्या है, सामाजिक थीम क्या तेरे लिए? सैकड़ों ट्रॉफी में से एक ट्रॉफी, एक रुपए का एक नोट। प्रशांत, तू पैसे के पीछे भागते भागते बहुत थक गया होगा, जा खर्चा। नहीं, मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी आत्मा अपने जमीर के साथ जीना चाहता हूँ। जो पाप मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अमरदीप, अनुरोध और बेमिसाल की जोरदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म फेयर ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर 3 बार नॉमिनेट किया था। ये 40,000 रुपए हैं, इन्हें रख दो। आपको इतने पैसे कहां से मिलते हैं? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी के सामने हीरो नहीं। हमारे नर्सिंग होम का एक भी कमरा खाली नहीं रहता, समझी? 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करते हैं लोग। लेकिन आप ये पैसा बैंक में क्यों नहीं डालते? इतना सारा कैश घर में रखने की क्या जरूरत है? मैं भी वही कर रहा हूँ जो सब लोग करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। विनोद मेहरा नागिन, जानी दुश्मन, द बर्निंग ट्रेन और खुद्दार जैसी कई मल्टी स्टारर फिल्मों का भी हिस्सा बने। इसी दौरान उन्हें लो बजट की फिल्में भी लगातार ऑफर होती रहीं, जिनमें अपने किरदार के साथ उन्होंने पूरा इंसाफ किया। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ प्रेमा, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं एक साया हूँ जिसके पीछे भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000, बस तुम लोगों के दिमाग में ये 1,00,000 ही घुस रहा है। तुम लोग ये क्यों भूल जाते हो कि इस फैक्ट्री के आधे का हिस्सेदार वो भी था। इस फैक्ट्री को खड़ा करने में उसने भी अपना खून पसीना एक किया था। की फिल्म घर अदाकारी के लिहाज से विनोद मेहरा के लिए बेहद खास थी, जिसमें वो सोलो हीरो थे और उनकी हीरोइन थी रेखा।
पूरी फिल्म में उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखते ही बनते हैं, बिना जुबान खोले ही जैसे वो अपना सारा दर्द बयां कर देते हैं। मिठास से भरपूर गुलजार के लिखे और आरडी बर्मन के कंपोज किए गए फिल्म घर के गाने आज भी भुलाए नहीं भूलते। साथ ही साजन बिना सुहागन, ये कैसा इंसाफ, साजन की सहेली, स्वीकार किया मैंने, प्यार की जीत जैसी कई हीरोइन ओरिएंटेड फिल्मों में भी विनोद मेहरा को लीड रोल्स निभाने का चांस मिला। चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया, आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के, आए हैं वो मजार पे घूंघट उतार के। मैंने तुम्हारे प्यार के रास्ते में बहुत सी दीवारें खड़ी कर दी थी, लेकिन आज तुमने उस हर दीवार को गिरा दिया है। तुम्हें बदनामी की जिंदगी से निकलने के लिए सहारा चाहिए था ना, मैं दूंगा तुम्हें सहारा, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा, तुम्हारे प्यार की जीत होगी। सुनो, मुझे रहना है तेरे दिल में, मुझे रहना है तेरे दिल में, किराया बोल क्या लेगी, किराया बोल क्या लेगी। मिड 80s से विनोद मेहरा कई मैच्योर्ड रोल्स में भी नजर आने लगे थे, जैसे कि प्यारी बहना, आपके साथ, प्रेम प्रतिज्ञ और ऑलराउंडर। तू हम पे बहुत जुल्म किए है, बचपन में तू हमार मुन्ना को हमार सामने मारा, हम सह लिए, हमका घर से बेघर कर दिए, हम सह लिए, तुहार कारण हमार माँ चल बसी, हम वो भी सह लिए, पर अब ना ही सहा जात है, हमार सहल सीनता का बांध टूट गवा है, हमार खोपड़िया घूम गई है रे, हमार पालन पोषण में कौन खोट थी जो तू लक्ष्मण से रावण बन गया, अरे हम रात दिन एक कर दिए रहे, तो का आसमान पे बिठाए के खातिर तू वहां से गिरा भी तो हमारी छाती पर, हमार तो हार बस मुन्ना, हमार तो हार बस। पवन गुरुवैया चले, पवन गुरुवैया दुख सुख की मौजों पे जीवन की नैया चले, विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो अपने रोमांस को लेकर वो अक्सर चर्चा में बने रहते थे। शादी कर लो मुझसे, मेरा मतलब है जब तक तुम्हें कोई अपनी मनपसंद की लड़की नहीं मिल जाती तब तक के लिए कर लो ना। स्पेशली रेखा के साथ उनकी सीक्रेट मैरिज को लेकर भी सुर्खियां बनती रही, पर उसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आ सकी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ठीक है, तू मैं हर जाए तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वैसे उन्होंने तीन तीन शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी थी मीना ब्रोका, जिनके साथ उन्होंने अरेंज्ड मैरिज की थी। तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता, हम दोनों के रास्ते अलग हैं। इसी बीच उनकी कोस्टार बिंदिया गोस्वामी उनके करीब आती दिखी तो मीना ब्रोका ने डिवोर्स ले लिया और बिंदिया के साथ विनोद ने बाकायदा शादी कर ली। लेकिन बहुत जल्द बिंदिया की लाइफ में आ गए फिल्म मेकर जेपी दत्ता और विनोद मेहरा से उनकी शादी टूट गई। उसके बाद विनोद मेहरा ने केन्या में सेटल्ड एक बिजनेसमैन की बेटी किरण के साथ शादी कर ली, जिनसे उन्हें एक बेटी सोनिया और बेटा रोहन हुए। रोहन का तो उस वक्त जन्म भी नहीं हुआ था जब अचानक विनोद मेहरा का देहांत हो गया। सोनिया और रोहन दोनों ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की है। तो अब वक्त हो गया है विनोद मेहरा के कुछ सीन्स देख लेने का। कैसा ना हुआ, ये देखने आया था कि अरे आपने देखना कब से सीख लिया है? जब
तब से लोगों ने अपनी मौत की झूठी खबर उड़ाना सीख लिया है। बड़ी बात तो यह है प्रताश जी कि आपने भी देखना सीख लिया है। क्या देखा है आपने? देखा कि लोगों ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, खुद भी बिल्कुल बदल गए हैं। रमा जी, मैं इस मेरा नाम सुधा शर्मा है। और क्या क्या देखा है आपने? और ये भी देखा कि आप अपने इस नए नाम और नई जिंदगी से खुश भी हैं। मेरे खुश होने पर तो आपको हमेशा ही इतराज रहा है। मैं सफाई नहीं देना चाहता। सुधा शर्मा को सफाई देने से कोई फायदा भी नहीं है। पर मैं कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि आप इतना बदल सकती हैं। मैंने आपको देवी जानकर पूजा, पर आप देवी नहीं, देवी की मूर्ति निकली जो ना कुछ देख सके ना महसूस कर सके। जो लोग पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया प्रकाश जी? मैंने तो सुना है सभी बहुत खुश हैं, लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। अरे मेरे मरने का दुख ही ना हो किसी को, तो मरने का मजा ही क्या है, इसलिए मैं जी उठी। पिताजी को बताइएगा मत कि मैं जिंदा हूं, जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। कौन पिताजी? मैं सुधा शर्मा के पिता को नहीं जानता रमा जी। मैंने कहा ना। हाँ हाँ जानता हूं तुम सुधा शर्मा हो, मगर ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है कि तुम जिंदा हो। तुम तो अपने पिताजी के दुखों का अपमान करके अभी अभी मेरे सामने मरी हो। ये सुबह सुबह कहां चले गए थे तुम? डॉक्टर इब्राहिम के यहां, वो इजराइल माइग्रेट कर रहे हैं ना, सोचता हूं उनका नर्सिंग होम खरीद लूं। नर्सिंग होम? हां सर, मैं यूं जीना नहीं चाहता। यूं? अब एक चीज मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, हमारे प्रोफेशन में आगे बढ़ने का रास्ता सीधा नहीं है, टेढ़ा है, बिल्कुल टेढ़ा। बोलते जाओ। जरूर बोलूंगा। अमेरिका से इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया, क्या मुझे नौकरी मिली? क्या मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू कर पाया? इतनी जल्दी में क्यों? जल्दी में हूं सुधीर, इसलिए कि हमारे मुल्क में एक आदमी को 10 रुपए को 11 रुपए बनाने में जिंदगी खप जाती है, लेकिन 10 लाख को 11 लाख बनाना बाएं हाथ। और वही खेल मैं खेलना चाहता हूं। अगर हमारा एक बड़ा सा नर्सिंग होम हो जाए और तमाम जाने माने डॉक्टरों को हम कमीशन दे सके, तब समझोगे तरक्की क्या होती है। यह एक मुकदमा नहीं, यह त्याग और बलिदान की एक अनोखी कहानी है। मैं जानता हूं कानून आहों और आंसू की भाषा को मंजूर नहीं करता, पर कानून कुछ ऐसी कहानियों को जन्म दे जाता है या उनका खुलासा करके रख जाता है जो सदियों सुनी जाती है। श्रीमती आशा चोपड़ा की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है। ये औरत जिसे अदालत सुहागन के रूप में देख रही है, सुहागन नहीं ऑनर, विधवा है। इनकी मांग का सिंदूर और सुहाग की चमकती हुई बिंदी एक विधवा की महानता का जीता जागता सबूत है। यह सिंदूर और बिंदी वो वचन है जो आशा देवी ने अपने मरते हुए पति को दिया था। वो वचन कानून और इंसान से बहुत बड़ा था योनर, क्योंकि वो वचन जिंदगी लेने के लिए नहीं, जिंदगी देने के लिए दिया था। वचन पूरा करने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था मंगतराम, जो बॉम्बे के हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था जहां चोपड़ा साहब की मौत हुई। वो मंगतराम जो कैंसर से मरते हुए लोगों के दुख तकलीफ और दर्द का ही नहीं, उनकी मौत तक का फायदा उठाने से नहीं चुकता था ऑनर। उस मंगतराम को यह राज मालूम था ऑनर। बच्ची पर राज खोल देने की धमकी दे देकर वो आशा देवी को ब्लैकमेल करता रहा। अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए और अपने वचन के लिए एक माँ एक पत्नी सब कुछ सहती रही। मंगतराम का मुंह बंद करने के लिए उसे पैसे देती रही। पैसे खत्म हुए तो वो इनके गहने ले गया, यहां तक कि वो इनका मंगलसूत्र भी ले गया, फिर भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ। आशा देवी ने अपना मकान तक बेचने की कोशिश की, पर योनर मकान नहीं बिका क्योंकि वो चोपड़ा साहब के नाम पर था। मैं जानता हूं आशा देवी ने कानून की नजर में जुर्म किया है, लेकिन बाप नहीं किया है। और वो जुर्म जिसके पीछे बाप नहीं योनर, वो कानूनी इंसाफ का नहीं बल्कि इंसानी इंसाफ का हकदार है। इसलिए मैं कानूनी इंसाफ और इंसानी इंसाफ के बीच फर्क करने की अपील करता हूं और उम्मीद करता हूं योनर, ये अदालत
आशा देवी को बाइज्जत परी करने का हुक्म देगी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए। ऑफिस का काम? जानता हूँ। घर का काम? जानता हूँ। बच्चे संभालना? जानता हूँ। खाना पकाना? जानता हूँ। झाड़ू लगाना? जानता हूँ। बैठिए। जानता हूँ। बैठिए। हाइट? 5'10". वेस्ट? 34". चेस्ट? 42". बॉडी? गुड। लड़का पसंद है? की रात है, गले आज लगा ले जालिम, इसमें दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ये क्या हो रहा है? धड़क रहा है। क्यों? दिल। क्यों? शर्म आ रही है। इसमें शर्माने की क्या बात है? यहाँ तुम्हारे और हमारे सिवा और कौन है? वसल की रात है, रोशन चिराग गुल कर दो। हाँ। खुशी के मौके पे क्या काम जलने वालों का। वाह वाह वाह, इसी बात पे बंद कर देते हैं, जाने मत। अरे 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 मेरा हो गया, अरे मेरा हाथ। अब हमसे बच के कहां जाएंगे आप? आए अच्छा, हिम्मत से काम लेना। बस थोड़ा सा दर्द होगा। थोड़ा सा? हाँ, संभाल लेना। घबराना नहीं। नहीं नहीं, मैं जाऊँ। मैं जाऊँ? तो संभल के। अच्छा। लेट 1980s में विनोद मेहरा ने डायरेक्शन की फील्ड में उतरने का फैसला किया और ऋषि कपूर, अनिल कपूर और श्रीदेवी को अपनी फिल्म गुरुदेव के लिए साइन किया। लेकिन गुरुदेव की मेकिंग में काफी लंबा वक्त लग गया क्योंकि उसके तीनों कलाकारों की डेट्स मैनेज कर पाना विनोद के लिए मुश्किल हो गया था। वो दिनों दिन टेंशन में आते जा रहे थे और उसी के चलते 30th अक्टूबर 1990 को महज 45 साल की एज में ही वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उसके कुछ एक सालों बाद अधूरी रह गई गुरुदेव को उनकी पत्नी किरण और डायरेक्टर राज सिप्पी ने कंप्लीट किया और फाइनली 1993 में रिलीज किया। विनोद मेहरा एक ऐसे स्टार थे जो वक्त से बहुत पहले ही ढल गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनकी भागीदारी को कम करके आंकना उनके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि वो एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपनी किसी भी किरदार को अंडरप्ले करने में माहिर थे। उनकी ग्रेसफुल पर्सनालिटी और दिल को छू लेने वाली मुस्कान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी चमक भले ही दो दशकों तक सीमित रही हो, पर अपने चाहने वालों के दिलों में वो हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहेंगे। इसी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। आप सभी को गुड बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। कोई महबूबा हमको चाहे, प्यार के वादे करके निभाए, आंखों में का किए हम, हाय रे दिल की कम नसीबी, हमको दिल मिला न किसी रूप की कली का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, कोई तो सिखा दे हमें का, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का।